हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओवर चैनल हेल्प की पाठशाला। इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना की हम बात करते हैं। इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना किन किन महिलाओं को पहले मिलने वाला है और बाद में किन किन को मिलना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, उनके बारे में हम बात करें। राजस्थान सरकार की यह अनूठी पहल है जिसके तहत 1,35,00,000 महिलाओं को स्मार्टफोन वितरण किया जाएगा। बात कर लेते हैं प्रथम चरण हेतु लाभार्थियों की पात्रता क्या रहेगी, यानी कि प्रथम चरण में किन किन को मिलने वाला है। तो देखिए फ्रेंड्स, प्रथम चरण के अंतर्गत सरकारी विद्यालयों में 9वीं से 12वीं कक्षा यानी कि 9th क्लास से और 12th क्लास तक की जो छात्राएं हैं अध्ययन कर रही हैं रेगुलर, उनको फर्स्ट अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। उसके बाद बात करें सरकारी उच्च शिक्षण संस्थानों, महाविद्यालय, आईटीआई, पॉलिटेक्निक में जो अध्ययन कर रही हैं उन छात्राओं को दिया जाएगा। उसके बाद विधवा एकल नारी जो पेंशन जिन महिलाओं को मिल रही है उनको दिया जाएगा। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी के तहत 100 दिवस कार्य यानी 2022-23 में जो नरेगा का कार्य पूर्ण कर चुकी है उन महिलाओं को भी मिलेगा। अब इसके लिए बात कर लेते हैं कि इसके अंतर्गत हम लोग को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, को यानी कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की हमको आवश्यकता पड़ेगी। तो फर्स्टली बात कर लेते हैं, जन आधार कार्ड हो गया अपने पास जो कि महिला के नाम पर होता है, जो परिवार की मुखिया महिला मुखिया होती है उनके नाम पर होता है। आधार कार्ड हो गया, ये महिला मुखिया का आधार कार्ड चाहिए। पासपोर्ट साइज फ़ोटो और पैन कार्ड यदि हो तो, यानी कंपलसरी नहीं है पैन कार्ड हो तो भी चलेगा और नहीं हो तब भी चलेगा, तथा इन सभी के दस्तावेजों की एक एक फोटोकॉपी आपको रखनी पड़ेगी, ऑल दस्तावेजों की। और विधवा एकल नारी पेंशन योजना में लाभार्थियों को पेंशन पीपीओ होता है। मनरेगा योजना में लाभार्थियों को मनरेगा जॉब कार्ड, इंदिरा गांधी यानी कि जो जॉब कार्ड होता है वो आपके पास होना चाहिए। राजकीय विद्यालय कॉलेज छात्राओं के पास आईडी कार्ड यानी कि जो कॉलेज का आईडी कार्ड और एनरोलमेंट संख्या होती है जो कि कॉलेज के द्वारा दी जाती है वो होना ज़रूरी है। तो देखिए बात कर लेते हैं जन आधार कार्ड है उसमें मोबाइल नंबर व आधार संख्या जुड़े हुए होने चाहिए। जो आपका जन आधार कार्ड है उसके अंतर्गत ये सारे चीज़ यानी कि जो जन आधार कार्ड है उसमें आपका मोबाइल नंबर जुड़ा हो, जन आधार और आधार संख्या दोनों में मोबाइल नंबर जुड़ा होना चाहिए। यदि नहीं हो तो अभी आप जुड़वा लीजिए। और यह मतलब कंपलसरी है कि आपका मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ ही होना चाहिए, जन आधार से जुड़ा हुआ मोबाइल नंबर चालू हो, और तथा साथ में शिविर में लेकर भी आपको जाना है। यानी कि जो भी आपने जन आधार कार्ड और आधार कार्ड में मोबाइल नंबर जुड़वा रखा है वो आपको साथ में जहाँ पर शिविर लगेगा आपको जाना होगा। यदि लाभार्थी की आयु 18 वर्ष से कम है तो जन आधार कार्ड में की महिला मुखिया के साथ आना, यानी कि जैसे 9th से 12th क्लास तक की छात्राएं हैं उनकी 18 से कम उम्र की वर्ष है तो जो परिवार की मुखिया महिला है उसको साथ में जाना पड़ेगा इन सभी दस्तावेजों के साथ। तो धन्यवाद फ्रेंड्स, आपको जब भी यह शिविर लगना स्टार्ट होगा हम आपको अवगत करा देंगे इसके बारे में, और आपको जो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए हमने आपको डिटेल्स में बता दिया है क्या क्या चाहिए आपके पास। तो धन्यवाद, जय हिंद।